नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी कन्या राशि है तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक वो रत्न जो जीवन में आपको आगे ले जा सकता है, जीवन में आपके बदलाव ला सकता है। अगर आपके जीवन में चली आ रही निरंतर परेशानियां रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो आज उस रत्न की बात करेंगे जो रत्न आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है, और जो रत्न आपकी राशि के स्वामी से संबंध रखता है। वो रत्न है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, पन्ना। आप की कुंडली में बुध प्रथम भाव में, पांचवें भाव में या नवे भाव में बैठा है, त्रिकोण में कहीं भी बैठा है और आपकी कन्या राशि है, तो पन्ना रत्न आप जरूर धारण करें। वैसे किसी भी रत्न को, ऐसा नहीं कि पन्ना ही, पन्ना की बात नहीं कर रहे, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी ज्योतिष से, जानकार से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर आप पहनने से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं, क्योंकि आपकी कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में आपके आपके करियर को आगे ले जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में है, मैनेजमेंट सेक्टर में है या प्रिंट मीडिया के सेक्टर में हैं, तो भी आपको बहुत सफलता देता है। आप लेखक हैं, कहानीकार हैं, तो भी पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्टार्स हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, वो राजनीति में हो या फिल्म जगत में हो या अच्छे उच्च पदाधिकारी हो, ऊंची पोस्ट पे हो, सभी के हाथों में एक या दो रत्न जरूर रहते हैं। और रत्न हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से हमारा बचाव करते हैं, और हमारे जो बाधित ग्रह हैं उनसे लाभ प्रदान कराते हैं। जो ग्रह हमें बाधा पहुंचा रहे हैं उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। अब चूंकि आपकी राशि का स्वामी है बुध, और अगर आपका बुध अच्छा है तो जीवन में सफल होने से कन्या राशि के जातक को आपको कोई नहीं रोक सकता। बुध के लिए मैंने बहुत से उपाय बताए हैं अपने चैनल पर, लेकिन आज इस रत्न की बात कर रहे हैं। आप इस रत्न को ध्यान रहे कैसे धारण करना है, कब धारण करना है, इसको जब भी धारण करें तो बुधवार के दिन सूर्योदय के समय, शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय से लेकर एक घंटे के अंदर का समय होरा काल कहलाता है, उस समय इस रत्न को धारण करना चाहिए। जीवन में अगर आप शारीरिक व्याधियों से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, वो कितनी भी असाध होने दो, उसमें आपको लाभ देगा। ये सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, सबसे छोटी उंगली में पहने। और अगर आपके जीवन में सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो जरूर पन्ना रत्न धारण करें। आपके ऊपर किया कराया या नजर लोगों की रहती है उससे भी रक्षा करता है। कन्या राशि के लोगों को पन्ना जरूर पहनना चाहिए, सबसे छोटी उंगली में, क्योंकि बुध जो है एक ऐसा ग्रह है और बुध का रत्न इतना पावरफुल है, बशर्ते
वो ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल ज्यादातर जो है कांच के या प्लास्टिक के बने हुए बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप पन्ना वास्तव में पहनना चाहते हैं शिक्षा के लिए, अगर आपके पांचवें भाव में बुद्ध है तो शिक्षा के हिसाब में आगे बढ़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पन्ना धारण करें कन्या राशि के। वहीं अगर भाग्य स्थान पर बुद्ध है तो भी आप पन्ना धारण करें। ये त्रिकोण में कहीं पर भी बैठा हो बुद्ध आपकी कुंडली में तो पन्ना जरूर धारण करें। अगर आप कुंडली दिखा करके धारण करना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं। और वैसे भी अगर पहले दिखा करके भी धारण करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो त्रिकोण में बुद्ध बैठा है तो जरूर धारण करें। और आपकी कन्या राशि है तो वैसे भी आप धारण करें, आपको लाभ ही देता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी का रत्न है। अब बात कर लेते हैं इसको छोटी उंगली में धारण तो करना है, लेकिन और क्या क्या करें ताकि जो बुद्ध की एनर्जी है जो पन्ना वर्क करे हमारे जीवन में। ध्यान रहे बुधवार के दिन इसको धारण करने के बाद, चांदी में या पंचधातु में किसी में भी धारण करें, लेकिन बुधवार के दिन उसी समय होरा काल में ही, हर बुधवार को नहीं तो महीने में एक या दो बार कभी भी हीलिंग जरूर करें इस रत्न की। हीलिंग का मतलब यह है कि आप धूप उसको जरूर दिखाएं, इससे रत्न जो है आपका प्रभावशाली रहता है, रत्न में एनर्जी बनी रहती है और रत्न जो है निरंतर जो है वर्क करता है। यह सबसे बड़ा लाभ इस रत्न को धारण करने से होता है, क्योंकि कन्या राशि के जातक जो व्यापार के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर पन्ना रत्न धारण करें। ध्यान रहे कम से कम पन्ना 8 रत्ती का हो, 8 कैरेट का हो, अच्छी बात है। नहीं तो अपने वजन जितना भी आपका वेट है उस वेट में 12 का भाग दे दें तो उतने कैरेट का आप पहन सकते हैं, लेकिन 4 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए पन्ना पहनते समय, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि 4 कैरेट से छोटा पन्ना है और आप पहने हैं तो भी वो लाभ आपको नहीं देगा, वो केवल शो हो जाएगा। और अगर आपने पन्ना पहन रखा है अभी तक आपको लाभ नहीं हुआ है तो उसमें ध्यान रहे कि कैरेट कम हो सकता है। और अगर आप पन्ना प्राप्त करना चाहते हैं जैसे मैंने कहा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपके पते पर आपको पहुँचा दिया जाएगा असली पन्ना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत प्लास्टिक के कांच के बने हुए पन्ना बहुत मिल जाते हैं और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।